नमस्कार डॉक्टर डॉट कॉम, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। और दर्शकों, आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इनविजन के स्टूडियो में शहर के एक जाने माने तज्ञ, जिनका काफी अच्छा अपना अनुभव रहा है और समाज के प्रति जिन्होंने काफी अच्छी अपनी सेवाएं दी है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज के हमारे खास मुलाकात डॉक्टर डॉट कॉम इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान शहर के डॉक्टर सुमेर चौधरी साहब। नमस्कार साहब जी के बारे में। सुमेर साहब, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर डॉट कॉम इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो दिन है ये अस्थमा जो है, अस्थमा के लिए ये जागतिक दिन भी मनाया जाता है। और अस्थमा का जो रेशो है काफ़ी बड़ा फैला हुआ है पूरे दुनिया भर में, और भारतवर्ष की जहाँ बात होती है तो अस्थमा के कई पेशेंट अधिक पाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि जिसके चलते अस्थमा ये दिन ब दिन बढ़ रहा है? क्या लोग इसकी कितनी प्रिकॉशन लेते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे अच्छा किया जाता है? आइए तमाम बातों की तरफ रुख करते हैं हमारे साथ में आज के हमारे मेहमान से। चौधरी साहब, मेरा पहला सवाल ये रहा आपके लिए कि ये बताइए कि अस्थमा का जो जागतिक जो दिन मनाया जाता है वो मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जो अस्थमा है, वर्ल्ड अस्थमा डे, ये हर साल मनाया जाता है सेकेंड या थर्ड सेकेंड वेडनेसडे या थर्सडे ट्यूसडे या वेडनेसडे ऑफ मे, और इस साल मनाया जा रहा है बुधवार के दिन, वो है 5 मई। ये बनाया चालू किया था जीना ने और WHO ने जी 1998 में। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अस्थमा को एक पब्लिक हेल्थ माना गया हुआ डिजीज़ है, कि इससे काफ़ी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और 2016 का जो सेंसस आया है अभी, उसमें पाया गया है कि करीबन 339 मिलियन पीपल उससे सफ़र हो रहे हैं, और 2016 में करीब 4 लाख से ज़्यादा पेशेंट अस्थमा से एक्सपायर हुआ है। इसलिए ये दिन बनाया जाता है कि इसमें इस सेलिब्रेशन का मतलब होता है कि इसमें आप अवेयरनेस करते हैं जनरल पीपल के, मासेस के बीच में, कि ये बीमारी कैसी फैलती है, ये बीमारी से आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है। और इस हर साल एक थीम होता है, और इस बार का थीम जो है वो है अनकवरिंग द मिसकंसेप्शंस ऑफ अस्थमा, यानी कि जो गलत फहमियाँ हैं उसको लोगों के बीच से दूर करना है। बिल्कुल, अस्थमा को लेकर जो गलत फहमी है उसको तो हमें यकीनन दूर करना है, लेकिन सबसे पहली बात यह है चौधरी साहब कि अस्थमा जो होता है खासतौर पर उसके क्या सिम्टम्स या किस प्रकार के लक्षण होते हैं, कैसे पाए जाते हैं? अस्थमा में अभी जो मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के बीच में, वो ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अस्थमा ये अनुवांशिक बीमारी है जी। इसमें स्टीरोइड्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है। तो ये सब मिसकंसेप्शंस जो है ये सब आपको लोगों से हटाना है। जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि अनुवांशिक हो, ये आपको एनवायरनमेंट के कारण भी हो सकता है, जब आपका एज बढ़ता है तब भी हो सकता है। दूसरा कि ये इस बीमारी में बहुत ज़्यादा हाई स्टीरोइड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको ये इनिशियली स्टीरोइड्स से थोड़े बहुत मात्रा में डोजेज में देके कंट्रोल में किया जा सकता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, ये एक एलर्जिक डिजीज़ होती है, या जो एक एलर्जी की टाइप होती है। अब इसमें जो पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है, जो पेशेंट आपके पास में जब आता है, तो उसको जो मेन सिम्टम होते हैं वो होते हैं सांस फूलना। जी बिल्कुल, उसको उसमें अगर ये बीमारी बढ़ जाती है और कंट्रोल नहीं करता है, तो उसको सिटी जैसी आवाज़ आती है, तो फिर उसको वो अपने रोज़मर्रा का काम नहीं कर पाता है। जैसे जो नॉर्मल इंसान जितना काम करता है, जैसे बच्चा खेलते हैं, तो वो अपने उम्र के बच्चों के हिसाब से खेल नहीं पाता है, जिसके कारण वो अपने स्टडीज़ में, अपने रोज़मर्रा के जो रूटीन एक्टिविटीज़ रहते हैं उसमें बाकी लोगों से पीछे हो जाता है। फिर इसमें उसको एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे उसको अगर वो एलर्जिक बीमारी रहेंगे तो उसको एलर्जिक सिम्टम्स रहेंगे, जैसे छींके आना, खांसी होना, नाक बहना, ये सारे सिम्टम्स जनरली प्रेजेंट करते हैं अस्थमा के पेशेंट्स। बिल्कुल, और आजकल समाज में ये देखा जाता है, पाया जाता है कि अधिकतर जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उम्र दराज भी होते हैं, उनमें ये लक्षण काफ़ी पाए जाते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि कहीं सिटी की आवाज़ जो आती है, और ये जो पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूशन से भी होता है, क्योंकि डस्ट ये इससे भी होता है। इतना नहीं सर, एक बात है कि लोग जो स्मोक करते हैं, क्या पैसिव स्मोकिंग से भी अस्थमा बढ़ता है?
ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जी, अलग अलग ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी कोई किसी हर एक जन का एक अलग अलग एलर्जन होता है। राइट। किसी को डस्ट की हो सकती है, किसी को पोलन की हो सकती है, किसी को कॉकरोच की एलर्जी हो सकती है, कि कोई किसी को कोई खाने की पदार्थ की हो सकती है। तो जब ये एलर्जी वाला पेशेंट उस एलर्जेंस के संपर्क में आता है तो उसका अंडरलाइन सिम्टम बढ़ जाता है। फिर उसके अगर वो कंटिन्यूस उस एलर्जन को एक्सपोज होता रहा तो फिर वो बढ़ के अस्थमा हो जाता है। सर, बड़े बुजुर्गों का जो निदान है वो तो हो सकता है, मगर जो छोटे जो बच्चे होते हैं, जो बॉर्न बेबी होती है, या उनसे थोड़े से और जो बड़े होते हैं, वे अपना दर्द मतलब कैसे बयां करते हैं, या किस प्रकार के उनमें ये सिम्टम्स हुआ है या ये लक्षण जो पाए जाते हैं, तो इसका निदान कैसे होता है, आपको कैसे पता चलता है कि ये अस्थमा का पेशेंट सफर कर रहा है? जो बेबीज होते हैं उसमें उन पेशेंट में आपको सीटी जैसी आवाज़ आएगी, और बच्चा जो है वो कंटिन्यूसली रोता रहता है जी। और जो इन बच्चों में फेलियर टू थ्राइव करके रहता है, एक टर्मिनोलॉजी रहती है जिसमें बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाता है। राइट। जब ये सब साइन सिम्टम्स दिखते हैं और ऑस्कल्टेशन में जब उसके फेफड़े पे स्टेथोस्कोप लगाते तो वो उसको उसमें अलग प्रकार की आवाज़ आती है फेफड़े से। उनके फेफड़ों में कुछ स्वेलिंग आती है क्या? वो उसको स्वेलिंग तो ये इस बीमारी का एक पार्ट ही है और उसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है डॉक्टरी लैंग्वेज में। और ये जो जब हम इसको पेशेंट को जांचते हैं तो उसमें वो रोंकाई जैसे सुनाई देता है जी। उसको रोंकाई कहा जाता है, जो सीटी जैसी आवाज़ आती है वो स्टेथोस्कोप में से रोंकाई जैसी आवाज़ आती है। तो सर, इस समय में तमाम दर्शक गौर से देख रहे हो, सुन रहे हैं, ऐसे हमारे अभिभावकों के लिए, उनके बच्चों के लिए अगर ये इस प्रकार के यदि सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जैसे ही अगर आपको ऐसा बच्चों में अगर ऐसी घरघराहट की आवाज़ आती है या बच्चा रोता रहता है तो उन्होंने तुरंत जाके अपने पीडियाट्रिशियन को जाके सलाह लेना चाहिए। घरगुती इलाज ना करते हुए पहले जाके अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, उससे उसका बराबर निदान करवाना चाहिए। अगर वहाँ पे आपके पास में अवेलेबल आसपास में पल्मोनोलॉजिस्ट है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास में जो फेफड़े के डॉक्टर्स है उनके पास में जाके दिखाना चाहिए। ये बात तो आपने सही कहा, लेकिन एक बात ऐसी भी देखने में आई है समाज के कि आए दिन अस्थमा को लेकर कई गलत फहमियाँ नज़र आती है। ऐसी जो गलत फहमियाँ, आखिरकार ऐसी गलत फहमियाँ क्यों निर्माण होती है, अगर आती है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कहना चाहिए? इसमें जो दमे में का जो अस्थमा में जो गलत फहमियाँ है लोगों का बेसिकली है वो दवा के प्रति। तो इसमें कैसा है कि जो इनहेलर्स रहते हैं उसका स्टिग्मा है, लोग इनहेलर्स लेना नहीं चाहते क्योंकि उसको मुंह के द्वारा लेना पड़ता है दवाई। जी, जी, जी। लेकिन जैसे ये फेफड़े की बीमारी है तो उसकी जो दवा आपको जरूरत है फेफड़े में, राइट, तो उसका जो राइट माध्यम है वो है श्वास से, और श्वास से दवा अंदर लेनी है तो आपको अपने माउथ से दवा लेनी पड़ेगी। और इसका एक एडवांटेज ऐसा होता है कि जो आप ये इनहेलर्स लेते हैं इसका जो दवा की मात्रा होती है, जो आप अगर दवा लेते हो तो वो दवा का जो स्ट्रेंथ रहता है वो 400-500 मिलीग्राम रहता है, और जब आप श्वास के द्वारा सेम मेडिकेशन लेते हैं तो 400-500 माइक्रोग्राम रहता है, मतलब उससे 500-600 गुना कम रहती कम है, और वो शरीर में भी नहीं फैलती है। मतलब अगर आप गोली खाते हैं तो वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से होते हुए फेफड़े में जाएगी और फिर जो आपके दूसरे ऑर्गन्स है उसको इफेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप श्वास से लेते हैं तो दवा ने जहाँ असर करना चाहिए फेफड़े में वहीं असर होता है और श्वास से बाहर निकल जाती है, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी कम से कम रहते हैं। बिल्कुल। और दर्शकों, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई काम में इतना व्यस्त होता है कि अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देता। उसी को लेकर मेरा एक सवाल ये था सर, कि चलिए फिर से एक बार ये कहना चाहूँगी कि अस्थमा के जो प्रकार जो आपने बोले, कितने टाइप्स के उनके प्रकार होते हैं? अभी इसमें बेसिकली दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक अटोपिक बोलते हैं और एक को नॉन अटोपिक बोलते हैं। अटोपिक मतलब होता है जो एलर्जी से होता है जी जी, और नॉन अटोपिक रहता है जो बिना जिसमें एलर्जी का प्रमाण कम रहता है। उसमें ऐसे फिनोटाइपिकली दो मुख्य प्रकार के पाए जाते हैं, और इसमें फिर बाद में ईसिनोफिल काउंट्स और आईजी लेवल्स की जाते हैं, उसके हिसाब से उनकी फिनोटाइपिंग की जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात ऐसी भी देखने में आई कि आए दिन लोग जो है अस्थमा को लेके किसी बड़े तज्ञ की तरफ न जाते हुए फुटपाथ के ऊपर में जो दवाएं जो बेचते हैं, वो जड़ी बूटियां जो बेचते हैं,
मैं आयुर्वेद के ऊपर तो आने वाला हूँ, लेकिन जो जड़ी बूटियाँ जो बेचते हुए लोग आते हैं उनसे दवाई खरीदते हैं, ये कितना क्या कहना चाहिए, कितना कारगर साबित होता है कि ये गलत है? दूसरे पैथीज के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। नहीं, जैसे लेकिन जड़ी बूटियाँ जो बेचते हैं अस्थमा की जो दवाइयाँ, लेकिन अगर देहाती के लोग इस बारे में सिर्फ मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज के जब आपके पास एविडेंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन की सुविधा अवेलेबल है जो एलोपैथी में है, जिसमें रिसर्च बेस्ड एविडेंस रहता है, जी जी तो उसमें आपको सब सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, और यदि इसका आप बराबर से ट्रीटमेंट लेंगे तो ये अस्थमा बढ़ेगा नहीं, और आपके जो आपकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी रहेगी वो एकदम आप नॉर्मल इंसान जैसे जी सकोगे। जड़ी बूटियों के बारे में हम लोगों का ज़्यादा संशोधन है नहीं, उसके बारे में मालूम नहीं है, तो वो कितना उसका असर होता है नहीं होता है उसके बारे में हम लोग बोलने वाले जरा ठीक नहीं है। भले डॉक्टर साहब इस विषय को लेकर बात ना करें, मगर एक बात तो तय है कि आए दिन शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे जो जड़ी बूटियां बेचते हैं उन लोगों से दवाई खरीदते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए या उनके शरीर के लिए बड़ी हार्मफुल हो सकती है, उससे कुछ फायदा नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसे तज्ञ डॉक्टर की तरफ जाइए और अपना इलाज कीजिएगा, क्योंकि अस्थमा ये कैंसर और कोविड से भी बड़ा है, मगर उसके ऊपर उसके तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, उसको निगलेक्ट या अवॉइड कतई नहीं करना चाहिए। अगर हम निगलेक्ट या अवॉइड करते हैं तो यकीनन ये अस्थमा बहुत पनप सकता है, और आज की तारीख में अगर WHO के अगर आंकड़े के ऊपर में यदि गौर फरमाया जाए तो बहुत बड़ी है, संख्या बड़ी है, जो एक चिंता का विषय बनी हुई है। सर, ऐसे में लोगों ने किस प्रकार के प्रिकॉशन लेना चाहिए सर आपको लगता है कोविड में? कोविड की इसमें अस्थमा की प्रिकॉशन कैसे ली जा सकती है? कोविड में एक तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है कि यदि आप अस्थमा के पेशेंट हो तो आपने मेडिकेशन का अपना स्टॉक बना के रखिए, क्योंकि कब जाके लॉकडाउन हो जाएगा कोई भरोसा नहीं, तो ऐसा ना हो कि लॉकडाउन हो गया फिर ये दवाइयां का शॉर्टेज हो गया। लॉकडाउन में ऐसा हो, मेडिकल स्टोर वाले तो शॉर्ट नहीं करते, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अगर बंद हो जाता है तो कुछ दिन के बाद में वो ऑटोमेटिकली दवाइयाँ कुछ सब बंद कम होना मार्केट में चालू हो जाती हैं। तो अब जैसा आपको पता है कि अभी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हमने आपका मेडिकेशंस जो है स्टॉक करके रखना चाहिए। दूसरा है कि जो प्रिकॉशंस हम नॉर्मली कोविड के लिए लेते हैं कि जो डिस्टेंस बना के रखना है, हाथ के साफ सैनिटाइज करना है, तो वो सेम प्रिकॉशंस अस्थमा के पेशेंट्स में लेना चाहिए। अस्थमा के जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स रहते हैं, ये इन लोगों को कोविड के एरा में निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं कोविड इन्फेक्शन, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि इनके अंदर में कोविड के इन्फेक्शन जल्दी हो जाए। तो इसलिए इन लोगों ने अपने जो दवाइयाँ बराबर लेते रहने चाहिए, और जो जैसा आपको प्रिकॉशंस बताया गया है कोविड के पेशेंट्स को कोविड के लिए, तो पूरे प्रिकॉशंस फॉलो करते रहना चाहिए। बिल्कुल, प्रिकॉशंस तो लेना होगा, यदि हम प्रिकॉशंस नहीं ले गए तो हो सकता है कि हमारा भी जो पेशेंट में ये जो अस्थमा ये बढ़ सकता है। और सर, बातें तो बहुत कुछ करना था, लेकिन इससे पहले मैं समय हो चला एक ब्रेक का, doctor.com इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, और डॉक्टर साहब से अस्थमा को लेकर तमाम विषय के ऊपर में बातचीत, हमारा बातचीत का दौर जारी रहेगा। फिर से एक बार doctor.com इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने डॉक्टर शहर के अस्थमा के डॉक्टर सुमेश चौधरी साहब से तमाम विषयों को लेकर बात की, और उन्होंने काफी अच्छे सटीक जवाब भी दिए कि किस तरह से अस्थमा की रोकथाम की जा सकती है। लेकिन सर, जैसे वेदर में कुछ चेंजेस आते हैं तो अस्थमा का दायरा भी बढ़ता है, तो वेदर में लोगों ने किस प्रकार के प्रिकॉशन लेना चाहिए? अब ये जो वेदर का चेंजेस के कारण जो अस्थमा होता है जी संजय, इनको कहा जाता है सीजनल वेरिएशंस, बिकॉज ऑफ सीजनल वेरिएशन अस्थमा। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं, इन लोगों को पहले से पता रहता है कि मुझे जब गर्मी से ठंडी होने वाली है या ठंडी से गर्मी होने वाली है तब मेरे को ये सिम्टम्स आने वाले हैं। तो इस वक्त में ये दो प्रकार के मेडिकेशंस पर रहते हैं जनरली अस्थमा, एक होता है प्रिवेंटर्स और एक होता है रिलीवर्स। तो ये जब सीजन चालू होता है
तो ये इन पेशेंट्स को हम लोग प्रिवेंटर्स पे चालू चालू कर देते हैं कि जब सीजन आए तो इनको अस्थमा का अटैक ना आए। बिल्कुल, यदि अस्थमा का अटैक आता है तो देन वी शिफ्ट दिस पेशेंट्स ऑन रिलीवर्स। अच्छा, तो जब ये सीजन में वेरिएशन आना चालू होता है उस वक्त हम पेशेंट्स को प्रिवेंटर्स करके मेडिकेशन। लेकिन क्या सब इनहेल की जब बात आती है तो अक्सर मार्केट में कई ऐसी दवाइयां हैं और कई ऐसे वो इनहेलर की मतलब ये चीज़ें जो मिलती है, क्या ये जो इनहेलर से क्या अगले वाले का अस्थमा जो बढ़ा हुआ है क्या वो कम होता है क्या? ये मेरा पहला एक सवाल है। दूसरा सवाल ये कि अब तो गैस तो है नहीं मगर जो चूल्हा जो जलाते हैं क्या वहाँ का जो पोल्यूशन होता है उससे भी क्या अस्थमा बढ़ता है क्या? पहली बात तो ये जो आपने पूछे कि इन्हेलर डिफरेंट टाइप और जो इन्हेलर्स मिलते हैं बाजार में जी तो उसके उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो ये तो इंडिविजुअल पे बेस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा सूट करता है जी। जो लेकिन हम लोग जब पेशेंट आते हैं तो हम लोग जनरली स्टार्ट करते हैं रोटा हीलर से, जो कैप्सूल जो रोटा कैप्स रहते हैं ना उसमें कैप्सूल फोड़ के जिसमें खींचना पड़ता है। बिल्कुल, उससे दो चीज होती है, एक तो पेशेंट सांस जब खींचता है तभी अंदर दवा जाती है और जब वो सांस खींचता है अंदर तो उसका एक प्रकार का लंग्स का व्यायाम हो जाता है क्योंकि उसको उतना ताकत से अंदर सांस लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स की इंस्पिरेटरी जो फ्लो रहता है उतना होता नहीं है कि उतनी ताकत नहीं रहती है कि वो अंदर सांस घींच सके। इस तरीके के पेशेंट्स में फिर हम लोग MDI देते हैं। MDI डिवाइस होता है जो पंप रहते हैं, उसमें आपको पंप को प्रेस करते हैं दवा अंदर जाती है। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसमें कोऑर्डिनेशन लगता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तब वो दवा को पंप करना पड़ता है, यदि वो कोऑर्डिनेशन डिफेक्ट हो गया तो जो अंदर दवा जाती है वो बराबर नहीं रहती है। तो फिर उसके उसके लिए फिर एक स्पेसर करके आपको यूज़ करना पड़ता है। जी जी। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें वो MDI लेने की भी शक्ति नहीं रहती, इतनी उनकी सांस कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में फिर हम लोग नेबुलाइजर्स देते हैं, उसके अंदर में वो इलेक्ट्रिक करंट में लगाना पड़ता है। वो दवा जो रहती है लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो उसमें आपको एक सलाइन के साथ में उसको बनाना पड़ता है और वो आपको जो नॉर्मल सांस रहती है मास्क लगा के उस सांस द्वारा वो नेबुलाइजर से आपको मेडिकेशन देना पड़ता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइप के इंडिकेटेड रहते हैं इनहेलर्स। आपको ड्राई पाउडर लेना है या MDI लेना है और मीटर डोज इनहेलर्स होगा। और दूसरा प्रश्न जो आपका था कि चूल्हा का जी, तो जो चूल्हा से जो होता है अगले देहातों में ग्रामीण इलाकों में अक्सर ये देखा जा सकता है। तो चूल्हा का तो अभी भी इंडिया में काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट है। अभी रिसेंट स्टडीज भी आई है जिसके अंदर में जो गृहणियाँ हैं रूरल घृणियाँ जो है उनको चूल्हे के कारण में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज होता है। और इन पेशेंट में अस्थमा अगर पेशेंट को रहा तो अस्थमा एक्सेसर्बेट होता है। लेकिन जो बड़ा एज होता है ज़्यादा एज होती है इसमें इन लोगों को एक बीमारी होती है COPD करके, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, ये वाली ये बीमारी उसमें उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। जो आप पूछ रहे थे शुरुआत में पैसिव स्मोकिंग से या चूल्हा से स्मोक से एयर पोल्यूशन से जी, तो इन लोगों में COPD करके जैसे नॉर्मल इनको इन पेशेंट्स को अस्थमा नहीं भी हो 40 लेकिन 40 45 50 के एज के बाद में जो कंटिन्यूसली एक्सपोज रहते हैं पोल्यूशन को या पैसिव स्मोकिंग को या चूल्हा स्मोकर स्मोकिंग को, इन लोगों में आगे जाके COPD करके एक बीमारी होती है। वो भी अस्थमा जैसी होती है लेकिन उसका थोड़ा सा जो पैथोफिजियोलॉजी रहता है वो अस्थमा से थोड़ा डिफरेंट होता है। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल ये भी था, यानी हमारे दर्शकों का एक सवाल था जिन्होंने हमें ये बोला था कि डॉक्टर साहब आए थे, ये सवाल जरूर पूछिएगा। नॉर्मल जिन्हें अस्थमा होता है नॉर्मल लोगों के लिए ये बात ठीक है, लेकिन जो प्रेग्नेंट जो महिलाएं जो होती है उनको कितनी तकलीफ होती है? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है और उसके अंदर उनको वो पूरा अस्थमा का डिसीज होता है, इनहेल करते समय में उनका जो गर्भ जो होता है जो बच्चा जो होता है अंदर में क्या कितना प्रभावित होता है, क्या होता है, क्या कहना चाहोगे? ये जब अस्थमा की जो बीमारी रहती है इसके अंदर क्या होता है कि आपके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल जो रहता है बॉडी में कम होता है। अच्छा, अब जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है नॉर्मल इंसान में तो भी उसमें अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। लेकिन जब जो ANC पेशेंट्स होती है जो गर्भवती पेशेंट्स होती है उसमें वो एक बच्चा एक जानवर अपने अंडर में कैरी करती है, राइट? तो ऐसे उसको अपने लिए भी ऑक्सीजन चाहिए उस बच्चे के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे गृहणियाँ जिनको अस्थमा है उन्होंने रेगुलरली ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। उनका अस्थमा का उस वक्त में कभी भी
कोई लापरवाही ना करते हुए पूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। और जैसे ही मेडिकेशंस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वो मेडिकेशंस उन्होंने बराबर लेना चाहिए, नहीं तो वो खुद को भी तकलीफ देंगे और बच्चे को भी तकलीफ होगी। बहुत अच्छी जानकारी इस समय में डॉक्टर सुमित चौधरी साहब ने दिया। सुमित चौधरी साहब ने ये बताया कि किस तरह से हमने प्रिकॉशन लेना चाहिए, खासतौर पर उन महिलाओं ने जो प्रेग्नेंट महिला है उन्होंने किस तरह से अपने आप को अच्छा रखना है, अपनी पूरी प्रिकॉशन लेना है ताकि जो वो बेबी जो बॉर्न होने वाला है वो एकदम मजबूत हो और वो किसी प्रकार से कमज़ोर ना हो, इसलिए प्रिकॉशन लेना बेहद ज़रूरी है। और जब भी आपको इस प्रकार के सिम्टम्स दिखते हैं तो यकीनन आप शहर के ऐसे तज्ञ डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, उनसे पूरा नॉलेज लीजिएगा, उनका मार्गदर्शन लीजिएगा और अपना स्वास्थ्य मजबूत रखिएगा, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य मजबूत है तो देश मजबूत है। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा ये भी था कि ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाना, ये आप बार बार कह चुके हो, लेकिन ऑक्सीजन की जो लेवल है क्या योगा प्राणायाम या खेल कूद से बढ़ती है क्या? अस्थमा के ट्रीटमेंट में हम लोग जनरली पेशेंट्स लोगों को प्राणायाम भी करने के लिए बोलते हैं जी, उससे जो अलोम विलोम करते हैं उससे लंग्स की एक्सरसाइज होती है, उससे भी आपके लंग फेफड़े मजबूत रहते हैं जी। उसके अलावा भी कुछ फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेज होते हैं और कुछ डिवाइसेज आते हैं जैसे इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। अब ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जब से कोविड बढ़ा है तब से लोगों में इसका काफ़ी प्रचार हुआ है इस डिवाइस का, नहीं तो हम लोग नॉर्मली भी जो जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं जी उनको फिजियोथेरेपी के लिए इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करके एक डिवाइस होता है, उसमें वो सिंगल बॉल रहता है, 3 बॉल्स का रहता है, तो वो उससे लंग्स के एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। सर आए दिन जिस प्रकार से कोविड का जो एक आतंक मचा हुआ है और इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं और इसका जो प्रकोप है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में एक तरफ है कोविड और दूसरे तरफ है यानी कोरोना एक तरफ है और दूसरी ओर है अस्थमा, तो यदि किसी अस्थमा पेशेंट को कोरोना हो गया तो इलाज में क्या उन्होंने किस प्रकार के प्रिकॉशन लेना चाहिए या कितना बड़ा चैलेंज आप डॉक्टर लोगों के लिए होता है? मैं जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जो अस्थमा के मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स रहते हैं और ये ऑलरेडी स्टेरॉइड्स पर रहते हैं और कई जो बहुत मॉडरेट परसिस्टेंट सीवियर पेशेंट्स रहते हैं ये लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पर रहते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स का मतलब गोलियाँ खाते रहते हैं बिना दवा के, गोलियों के स्टेरॉइड के दवा के इन लोगों का अस्थमा कंट्रोल नहीं होता। तो ये पेशेंट्स लोगों को यदि इन लोगों ने प्रिकॉशन नहीं लिए और यदि इन लोगों में कोविड होता है तो ये जनरली मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म का होता है, निमोनिया से ही प्रेजेंट करता है इन पेशेंट्स में। और क्या होता है कि जब ये पेशेंट्स आते हैं तो इन लोगों को एक तो कोविड को कंट्रोल करना प्रायोरिटी हो जाती है और साथ में उसका जो अस्थमा रहता है उसको ना बढ़ने देना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है उस वक्त में पेशेंट को ट्रीट करते वक्त, क्योंकि ये जो पेशेंट्स जो अस्थमा के रहते हैं इनमें अस्थमा के सिम्टम्स भी आ जाते हैं और कोविड के भी सिम्टम्स आ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करने से ऑक्सीजन की मात्रा जरूर बढ़ती है, लेकिन डॉक्टर साहब खानपान की यदि बात करें तो किस प्रकार का परहेज ऐसे मरीजों ने रखना चाहिए जिनको ये अस्थमा की बीमारी है? अस्थमा के मरीजों मरीज सभी कुछ खा सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान खाता है, खट्टा खा सकते, एक बताते हो आपको ये, लेकिन जो जैसे कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो या जो जिस चीज़ से ट्रिगर होता है अस्थमा वो चीज़ आपने नहीं खानी नहीं। और जैसे ठंडा हो गया है या ठंडे पे गर्म है ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ऐसा भी होता है कई लोग जो खट्टा जैसे आपने बोले सॉस हो गया, टमाटर हो गया, कर्ड हो गया, तो आप इस ये चीज़ों को रोज़ ना खाएं, आप हफ्ते में एक बार ही खा सकते हो, यदि आप मेडिकेशंस ले रहे हो तो हफ्ते 15 दिन में एक बार ही आप खा सकते हो। कई लोग का आदत होती है कि रोज कर्ड खाना है मुझे, सुबह शाम दही खानी है, तो ऐसा इस प्रकार का खाना ना खाते हुए आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन सब चीज़ें कंट्रोल में खाइएगा। आज भी ये देखा जाता है कि समाज में चाहे धूप काला हो, ठंड काला हो या बारिश का मौसम हो, हर कोई ठंडे पानी से नहाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उनका ये मानना है कि साइंस कहता है कि ठंडे पानी से नहाने से हमें ऊर्जा होती है, क्या अस्थमा पेशेंट के लिए भी ये बात कारगर साबित होती है? ऐसा है कि जो साइंस कहता है कि जब आप ठंडे में रहते हो तो उससे वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, राइट। वैसो कंस्ट्रिक्शन होने से क्या होता है कि जो ब्लड ब्लड की जो नलियाँ रहती है वो सिकुड़ती है, जिसके कारण पेरिफेरल्स में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। लेकिन अब जो दूसरे पैथीज वाले हैं वो ठंडे पानी से नहाने के लिए बहुत बताते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि आप नॉर्मल वाटर से या तो फिर थोड़ा कुनकुना पानी से नहाइएगा ठंडे की ठंडियों के दिन, क्योंकि उससे क्या होता है कि जितनी गर्माहट रहती है बॉडी में उतना वैसोडाइलेशन रहता है, उतना ब्लड फ्लो बॉडी
के शरीर में बराबर बना हुआ रहता है और ऑक्सीजन मात्रा बनी हुई रहती है। कुछ लोग ऐसे कि जिनको अस्थमा हुआ है और काफी वो व्यायाम करना चाहते हैं, प्राणायाम योगा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सांस भी फूल जाती है, तो उन्होंने किस हद तक या किस क्या सीमाएं होनी चाहिए? जी सर, वो अगर वो कोई अस्थमा पेशेंट एक्सरसाइज करना चाहता है जी किसी भी प्रकार की, जैसे कि वो जिम वाली एक्सरसाइज करना चाहता हो या योगा करना चाहता हो, तो वो कर सकता है। लेकिन अब यदि उसको कुछ लिमिट के बाद अगर उसको कोई तकलीफ होती है, तो उस पॉइंट में उसने रुक वो अपने एक्सरसाइजेस का प्रोसेस बंद कर देना चाहिए और तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि उसका दमा बढ़ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, खांसी हो रही है, तो वो सिम्टम जाके अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि मैं इतना, अगर वो नॉर्मल जितना कोई नॉर्मल आदमी कर सकता है तो कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन वो एग्जर्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर वो कोई बॉडी बिल्डर के साथ कंपटीशन लगाना जी चाहता है जी तो जी फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। और जाते जाते डॉक्टर साहब, आखिरी का मेरा सवाल ये है, लेकिन जिन्होंने अभी अभी अपने टीवी सेट शुरू किया है, ऐसे में दर्शकों के लिए बता दूं कि doctor.com इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सुमित चौधरी साहब आए थे, जो कि आए हुए हैं, जो कि MBBS CMD है और DNB और PG टीचर के तौर पर भी ये सबको मार्गदर्शन करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल ये है कि तमाम लाखों दर्शक इस समय में doctor.com इस कार्यक्रम को गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, ऐसे हमारे तमाम दर्शकों के लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे अस्थमा को लेकर? संक्षेप में मैं यही बताना चाहूँगा कि अस्थमा एक लाइलाज बीमारी नहीं है और इसके साथ में जितने भी स्टिग्माज है उससे आप दूर रहिए और अस्थमा के आप अपना ट्रीटमेंट बराबर लेते रहिए, इनहेलर्स लीजिए। तो अगर आपका अस्थमा कंट्रोल में रहेगा तो आप नॉर्मल, एक बिल्कुल ही नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे और नॉर्मल अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी इस समय में डॉक्टर सुमित चौधरी साहब ने दिया है। और दर्शकों, हम आपके लिए यही कहना चाहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, बहुत बढ़िया रहे, किसी को भी अस्थमा, कोरोना या अन्य डिसीज कभी ना किसी को हो, क्योंकि यदि हम मजबूत तो हमारा देश मजबूत होगा। और उन स्वस्थ लोगों के लिए डॉक्टर साहब आपके इस मौजूदगी में हम यही कहना चाहते हैं कि हिमालय की है पुकार, आप भी उसमें हो, कि हिमालय की है पुकार, बहादुर हो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो। तो दर्शकों, आप थे डॉक्टर सुमेर चौधरी साहब। अगली बार doctor.com इस कार्यक्रम में हम फिर किसी नए डॉक्टर से आपसे जरूर रूबरू होंगे। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में समय निकाल के आए हुए हैं और हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए जो सटीक और बेहतरीन से जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले doctor.com इस कार्यक्रम में फिर किसी नए तज्ञ के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल BCN न्यूज नागपुर। नमस्कार।